पीएम जयसवाई हाय हाय, पीएम जयसवाई हाय हाय, पीएम जयसवाई हाय हाय, हाय हाय, पीएम डब्ल्यूडी हाय हाय, पीएम जयसवाई हाय हाय, पीएम जय मेरा नाम अमर अभिषेक है, मैं टंगडार नाड़ का रहने वाला हूँ, टंगडार एक ब्लॉक का। तो ये जो आज बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं मीडिया का कि यहाँ तक पहुँची हमारे मसाइल जो है इन्होंने देखे, और हम उन बंदों का भी बड़ा शुक्रगुजार हैं जो यहाँ जो आप तक पहुँचे। बहरहाल ये जो रोड का मसला है, रोड का इस तरह का मसला है कि हमारा हालत ख़राब हो गई है। जहाँ पे 100 रुपये का हमारे सफ़र है, यहाँ पे 500 रुपये गाड़ी लेती है इस रोड की वजह से। पहले हमारी माएँ बहनें उनका मिन्नतें करनी पड़ती हैं टंगडार अड्डे में, मेन मार्केट से टंगडार नाड़ तक, जहाँ पे 20 रुपये का किराया, यहाँ 200-400 रुपये में गाड़ी यहाँ पहुँचती है, वो भी मिन्नतें करके। दूसरे नंबर पर मैं अर्ज़ करूँ, ये रोड का आप देख लो हालत क्या है। पिछले साल इन्होंने मान लो 2-2.5 साल में इन्होंने जब पीएनजी वाइज ने रोड निकाली थी, उसी वक्त ने हमने इस पे एक्शन लिया था, मगर हमारा किसी ने कोई फरियाद नहीं सुनी। हमने तहसीलदार साहब को बोला, हमने एसडीएम साहब से बोला, हमने पुलिस को जाके बोला, मगर हमें बेवकूफ़ बनाया गया कि आप बेवकूफ़ लोग हैं, आप रोड बनाने दें फिर हम देखेंगे। ये दीवारें देखें, यहाँ से JCP आई नीचे, ठीक है, बजते बजते आदमी बच के यहाँ से गाड़ी नीचे गई, बजते बजते बज की, किसकी वजह से ये आप देखें। एक मिनट आप नीचे करके कैमरा दिखाएं सर, ये रोड जो है हम हर दिन क्या करते हैं, एक बड़ी बड़ी टेनी लाते हैं और टेनी से रोड साफ करते हैं। किस लिए करते हैं कि हमारे जब ये बाइक चलते हैं या गाड़ी चलती है, जब स्लाइडिंग करती है, हमें बर्फ़ की नहीं ज़रूरत पड़ती हमें, क्योंकि ये जो स्लाइडिंग नीचे रोड़ी है या खड्डों के साथ में मस्जिद के पीछे चली जाती है ना। दूसरे नंबर पे हमने बड़ी इधर अप्रोच चलाई या किसी से कुछ बोला, यहाँ पे रात को आए PNGFI वाले, एक टिपर लाया था उन्होंने, किसका, बजरी का लाया, ला के उन्होंने सोचा होगा एक जगह बात ये, जब काम शुरू हुआ PNGFI ने लोगों ने परजोर कोशिश की भाई रोड शेड्यूल से बने, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। दूसरी बात यह कि रोड को नाली होनी चाहिए, इसकी बार पिछली बार या स्लाइडिंग हुई, यहाँ से फोन आ गए 2.5 लाख, ना RNB का कोई मिला, ना कोई PNGFI मिला। हम प्रगोर गुजारिश करते हैं PNGFI से, रोड को 6 साल हो गए, 7 साल हो गए बने, उसके बाद यहाँ उनका कोई, हमने जेई साहब से बात की, डी साहब से बात की, लेकिन उनको कोई मुलाजिम यहाँ नज़र नहीं आया भाई, कोई पत्थर उठाए, गाड़ियाँ कई बार गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई, लेकिन उन्हें कोई तस्त मस्त नहीं। हम गवर्नमेंट से, SDM साहब से, DE साहब से गुजारिश करते हैं कम से कम रोड को इस लायक बनाया जाए ताकि हमारी गाड़ियाँ जा सके बीमार। मेरा नाम मोहम्मद असलम मीर है, मैं टंगडार नाड़ का रहने वाला हूँ। हम लोग बहुत परेशान हैं, इतने कहीं के ले लद्दाख वाले भी नहीं होंगे, कहीं जाड़ा वाले भी नहीं होंगे, जितने हम लोग यहाँ पे परेशान हैं। हमने एप्लीकेशनें लिखवाई, अपने जेब से खर्चा किया, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, DE साहब को, सबको हमने एप्लीकेशनें दी, बट हमारी एप्लीकेशन के बारे में किसी ने कोई बात आगे से नहीं की। एप्लीकेशन लेते हैं, रद्दी के भाव फाड़ के उस डस्टबिन में डाल देते हैं, उस पर हम नाड़ वालों की कोई केयर ही नहीं कर रहा, लाइट हो, पानी हो, कुछ भी हो, कोई केयर नहीं कर रहा, सिवाय उनको चाहिए मेन मार्केट, मार्केट में हर काम करेंगे। हम लोग यहाँ कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये हमारा खुदा जानता, हम जानते हैं। हम अगर हमारा कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई बूढ़ा बीमार हो गया, तो हम गाड़ी वाले के पाँव पकड़ते हैं, वो बोलता है 600, 700, 800 एक किलोमीटर के, 1.5 किलोमीटर के, हम 700 रुपये भी दे के हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। और दूसरी बात, 5 साल हो या 6 साल हो, जिस डिपार्टमेंट ने ये काम करवाया PNGFI ने, उनका फ़र्ज़ बनता है कि 5 साल में दीवार गिरी या उसकी लुक उठी है, कुछ भी उठा, उसको रिपेयर करना। उन्होंने यहाँ पे काम ख़त्म किया, तब से लेके अब तक 5 साल या 6 साल हो गए, हमने उनको लौट के यहाँ पे नहीं देखा। हम सब जानते हैं ये टंगडार से टंगडार नॉर्थ तक जो 5 किलोमीटर की रोड है, ये 2017-18 में PMGS के द्वारा बनाई गई है, और इसमें PMGSY के जो अफसरान हैं उनके द्वारा बहुत सी कोताहियाँ हुई हैं, क्योंकि ठेकेदारों के साथ मिल के इस रोड का सत्यानाश और खस्ता हालत है। पिछले 3-4 सालों से लोग यहाँ के, जिन्होंने ज़मीनें अपनी वक्फ की कि हमें सहूलत होगी, ना ही उनको मुआवजा मिला और ना ही उनको सहूलत मिली। 3 साल से वो एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को तस की मस नहीं हो रही है। PMGSY का यहाँ पे तो एक
डी की ए की तो बात ही नहीं है, जेई की, यहाँ उनका कोई कुल्ली भी नहीं है। इन लोगों को ऐसे ही बस सिर्फ ठेकेदार ने अपने पैसे निकाले और उन्होंने कमीशन खाई और यहाँ से रफू चक्कर हो गए। मैं गुजारिश करता हूँ एसडीएम साहब से, अपने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर डीसी मैम से कि वो फौरी तौर यहाँ पे जो इंचार्ज है पीएमजीएसवाई का, उसको यहाँ पे मौके पे भेजें और इस रोड की हालत को ठीक किया जाए।